बन जाए। और ये बात का बोझ तुम अपने सर कैसे ढो पाओगे? अपनी जान देके ना। लेकिन सच कहे तो हमका तुम पर ना बहुत ज्यादा तरस आ रहा, काहे कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रहेगी कि तुम जाके अपनी जान दे सको। ए लिए तुम इस सब ड्रामा की ताकि सब का ध्यान तुम्हारी तरफ खिंच जाए और सबकी हमदर्दी मिले तुमका, और सब ये कहे कि प्रतिज्ञा बेचारी निर्दोष है और सब किस्मत का दोष है। बस कीजिए भाभी, इस वक्त दीदी को और तकलीफ मत दे। अरे तुम्हारी बहन को कौनो तकलीफ नहीं है। इको एक बात की तकलीफ है कि इके इतने कोशिश करने के बाद भी हमरी अम्मा बच कैसे गई? अरे प्रतिज्ञा जौन घर में जाएगी ना वो घर को नरक बना देगी। अपने ससुराल में तो ये कांड कर ही चुकी है, ये तो अपने मायके को भी नहीं छोड़ेगी। ताकि ईना बहुते ज्यादा पढ़ी लिखी है, एलिए बहुते ज्यादा चालाक है, और ये बहुत अच्छे से जानती है कि दुनिया को अपने इशारों पर कैसे नचाते हैं। और जब हमरी अम्मा ई के झांसे में नहीं आई तो ई हमरी अम्मा को जलाई के मारे का प्लान बना दी। भाभी अगर हमने ऐसा कोई प्लान बनाया होता ना तो आज हम यहाँ पर नहीं बल्कि उसी हवेली में होते। हमारा पति हमारे साथ होता, और ऐसा कभी नहीं होता कि जिसकी गलती है वो गलत होते हुए भी सारे परिवार वालों की हमदर्दी लेकर सही साबित हो जाता। ये बात तो सब जानते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है और भुगत कौन रहा है। समझी आप? सलाई करने वही कर रहा है यार, चांसेस तो उन्हें भी नहीं देता कौन। बे आए रे बाबा, इतनी आधी रात में का हुआ? कह सकते हैं तुम्हारे पास वो कोटा बचाएगा क्या? कोटा का राशन की दुकान समझ लियो क्या यार? कौन सा कोटा? अरे यार मतलब तुम कोटा नहीं समझते हो, दारू शराब है कि नहीं तुम्हारे पास? मतलब तुमको यहाँ आधी रात में यहाँ शराब चाहिए? मजाक कर रहा है यार बाबा, तू कब से पीने लगा है? देखो सत्य ऐसा है कि ना फिजूल के सवाल जवाब मत करो मेरे से। तुमका साफ साफ बताओ तुम्हारे पास है तो हमका लाए के दे दो, नहीं है तुमका बता दो, अपनी व्यवस्था खुद कर ले ठीक है? कि बकैती बताने का टाइम नहीं हमारे पास। यार तुम तो नाराज हो ही गए यार है? तो बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को कानून व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, समझे? आगे एक चीज बता, बहुत खुश हम बेटा, अब हमारी राह पे चल रहे हो, बहुत अच्छे। अब देखो कैसे हम बराबर। यस हाँ। भाई तुमका जो गाना गाना है सवेरे उठ के गा लेना, अभी तुम्हारे पास है तो जाके ले आओ यार। है अबे अबे लाते हैं। ई
मजे करा। बन रहा है। वाह सही है रे। आप ये क्या कर रहे हैं? कृष्णा बाबा को शराब पिला रहे, छोटे भाई हैं आपके और आपको गलत रास्ता दिखा रहे। चुप। तुम्हारी ना बीच में बोलने की आदत होगी। गलत रास्ता दिखाए रहे हैं, शराब पिलाए, गलत रास्ते पे ले जाए रहे। अरे का गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमको? अरे छोटा भाई है हमरा, हम काय गलत रास्ता दिखाएंगे उको? और अभी तो ना, अभी तो उस सही रास्ता पकड़ने लगा है। अभी तक तो वो वैसे जी रहा था एकदम कैसे, जो बीबी के पीछे पीछे गुल्लू के जैसे जी रहा था। अब जिएगा बादशाह बनके। अरे जब पिएगा खाएगा नहीं तो नाम के आगे ठाकुर सब जमेगा कैसे? एकदम ऐसे ठाकुर कृष्णा सिंह। लेकिन यार अब तुम ना ऐसे ना बेजा सरकाने वाली बात मत करो, झट से सो जाओ, हमको बहुत नींद आई है। गलत रास्ता बताए, शराब पिलाए रे, सबको परेशानी है। अब कब सोओगे? कैसा लगा है? देखो देखो, अब वो तो है कि तुम हमारे मन के हर कोने में बसती हो, लेकिन कहा है ना कि प्यार को तो जताना पड़ता है। कैसा लगा हमारा ये तरीका? अच्छा अगर अच्छा लगा हो तो बताई दो, हम अपने हर कपड़े पे तुम्हारी ऐसी फोटो और नाम लिखवाए देंगे। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अब तुम वो चिल्लाओ, हम भी तो देखे हमसे कितना प्यार करती हो। हम नहीं चिल्लाएंगे। आज तो तुम वो आई लव यू बोलना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। आज तो तुमको बोलना ही पड़ेगा आई लव यू। ये क्या बेवकूफी है? अरे बेवकूफी नहीं है, प्यार का इजहार है। अरे हम दिन में 50 बार कर सकते हैं, तुम एक को बार नहीं कर सकते। हमें जीने से फर्क पड़े ना पड़े, हमारे मरने से बहुत फर्क पड़ेगा। कृष्णा